उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुनिश्चित खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर कलचीघाट ब्लॉक से, ना बना पुल ना हुआ और सुपुराना झूला पुल के ऊपर। आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना पुल है, इसमें जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीण बड़खोलू झूला पुल निर्माण न होने से राजकीय इंटर कॉलेज बड़खोलू की छात्र संख्या भी घट गई है। कलचीखाल विकासखंड के सतपुली के पास नियार घाटी पर द्वारीखाल ब्लॉक से कलचीखाल ब्लॉक को जोड़ने वाला झूला पुल 2010 में आपदा की भेंट चढ़ गया था। इस पुल की जगह मोटर पुल की मांग की थी, जिसमें भारी वाहन जा सके और यहाँ का विकास हो सके। इसके लिए भारी जन आंदोलन भी किया गया। पुल निर्माण के कारण लोक निर्माण विभाग ने वैकल्पिक झूले की मरम्मत तक नहीं करी। 3 बार मुख्यमंत्री इस पुल के निर्माण का वादा कर चुके हैं। 2 विधायक तो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन पुल नहीं बना। जबकि नदी पर PMGSY की कई गांवों को जोड़ने वाली पक्की सड़क भी बन गई है, लेकिन पुल आज तक नहीं बना है। और जैसा आप जानते हैं, कल इस पुल से पार करते समय बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। हमने यहाँ की जनप्रतिनिधि और लोगों से बात की, देखिए क्या कहते हैं हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी और आज पहुंचा हूं विकास खंड कलजी खाल के न्यार घाटी बड़खोलू गांव। और मैं इस टाइम बड़खोलू गांव की तरफ हूं और मैं द्वारीखाल की तरफ से लंगूर पट्टी की तरफ से अब मनियारसो पट्टी की तरफ आ गया हूं। और ये जो झूला पुल है, ये जो है बहुत क्षतिग्रस्त है और कई सरकारें आ गई, कई चली गई है। राज्य बनने के 22 साल हो गए, लेकिन एकमात्र पुल नहीं बन पाया। और बड़खोलू गांव में इंटर कॉलेज भी है और बड़ा गांव है, कई गांवों को जोड़ता है ये पुल, लेकिन अभी तक जो है मोटर पुल नहीं बन पाया। और ये झूला पुल बहुत क्षतिग्रस्त है, लोग रिस्क पे आ रहे हैं, जान जोखिम पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नदी तो उफान पर है और पुल की हालत जर्जर हालत है, ये आप देख सकते हैं। ये स्थिति है। बच्चा मैंने स्कूल ये नहीं, तो कोई और विकल्प नहीं। आयु गाड़े हैं झंझू मत मेल रास्ता अच्छा बंद हो तो कम मिल दो आज मत गाड़े आनु का घबड़े ना वो ठीक है अभी मेल रास्ता। अच्छा ये देखो जान जोखिम डालते हुए डोज देने के लिए मैं तो आ रहा हूँ यहाँ, ये डर डर के आ रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी आज पहुँचा हूँ न्यार घाटी बड़खोलू। और ये देखो एकमात्र झूला पुल जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और इस पुल में जो है बहुत दिक्कत है। नया आदमी तो पूरा डरता है, लेकिन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस पुल में। और ये बैकली व्यवस्था है, गांव में रोड आ गई है बड़खोलू में, इंटर कॉलेज भी है गांव में, लेकिन पुल नहीं बना अभी तक। कई सरकारें आई कई गई, निरंतर पुल के लिए कई धरना आंदोलन प्रदर्शन, लेकिन आज तक पुल नहीं बना। बड़ा अफसोस है, राज्य बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन एकमात्र एक बड़े कई गांवों को जोड़ने वाला पुल आज तक नहीं बन पाया। धन स्वीकृत होने के बाद भी कई तकनीकी दिक्कतों के कारण पुल नहीं है। उस जमाने का है जबकि गिने चुने पुल हुआ करते थे, बहुत कम। और उसका समय और पिछले एक बार कई वर्षों बाद ये विषय आया था, उस समय भी तो उसका समय पूरा होना 100 साल से भी इस तरह का अधिक होना, तो स्वाभाविक है कि एक नया पुल का निर्माण होना आवागमन सुरक्षा की दृष्टि से ये विषय आया, बहुत बार आया है। और आज भी यदि उसको थोड़ा क्षति पहुंच रही है तो उसको सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, ये हम लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन विकास के काम भी अवरुद्ध न हो, आवागमन चले, उसका कैसे हल निकल सकता है उस पर विचार किया जाएगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है डबल सिंह जी। डबल सिंह जी, आप तो स्वयं भी बड़खोलू गांव से हैं और दूसरे आपकी
क्षेत्र के एक समाज सेवी पत्रकार भी हैं, आप किस नज़र से देखते हैं कि पिछले लंबे समय से पुल की मांग की जा रही है और गांव में सड़क बन गई पक्की पीएम जी द्वारा, लेकिन पुल का कोई आता पता नहीं, क्या कारण रहा होगा जो पुल नहीं बन पाया? देखिए, एक तो हम अगर बात करें पुल न बनने का कारण, तो पुल न बनने का सबसे बड़ा कारण है कि शासन और प्रशासन की हिलावाली, उनके द्वारा जो ढील दी गई है उसके कारण पुल नहीं बन पाया। और जबकि 2013 में शासनादेश जारी हो गया था पुल के लिए और मोटर मार्ग के लिए, जबकि मोटर मार्ग बन करके तैयार हो गया है और पुल अभी तक बन करके तैयार नहीं हुआ है, जिस कारण काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो झूला पुल है उसमें खुद PWD ने नोटिस चिपकाया हुआ है कि इस झूला पुल के आवागमन के लिए ये सुरक्षित नहीं है और किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए इसमें आवागमन न करें। तो अगर ग्रामीण इस झूला पुल से आवागमन नहीं करेंगे तो कहाँ वो आवागमन करेंगे, जब आप पुल ही बना के नहीं देंगे। और गाँव में इंटर कॉलेज भी है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव में इंटर कॉलेज है और छात्र और टीचर जो है वो आवागमन करते हैं, साथ ही गांव के जो स्टूडेंट हैं वो महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कई बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत खराब हो गई और उस पुल में लाने के लिए बहुत ही माथापच्ची से करनी पड़ती है, क्योंकि पुल इतना तिरछा हो चुका है, इतना टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, सरपीला हो चुका है कि आवागमन में ही बहुत, सिंगल आदमी को ही दिक्कत होती है, तो चार पाँच एक साथ अगर किसी बुजुर्ग को लाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है। प्रशासन को चेतावनी दी थी, एक दिन का धरना भी रहा, संकेतित जाम किया है, उस पर क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, 2 तारीख को हमने अभी धरना प्रदर्शन किया था और सांकेतिक जाम भी किया था। अभी जो हमारी वहाँ बात हुई थी, 10 तारीख को वर्ल्ड बैंक के अधिकारी जो हैं हमारे साथ खुली बैठक रखेंगे और जहाँ पर बड़कुलू का झूला खुले वहाँ पर एक बैठक रखी जाएगी 10 तारीख को, और वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा आने वाले आगे के लिए कि यदि पुल को बनाए जाने को लेकर, पुल की वित्तीय स्वीकृति को लेकर कोई ठोस कार्रवाई लिखित में नहीं दी जाती है तो ग्राम सभा बड़कुलू वाले आगामी 22 अक्टूबर को सतपुली में चक्का जाम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर लिखित में वो उचित आश्वासन देते हैं कि हम इतने समय में पुल को बनाने की जो वित्तीय स्वीकृति है वो कर देंगे और उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो हम ये धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। एक जो ये बड़कुलू वाला पुल है, रोड आपकी बन गई है और ये बीच में तो थोड़ा सा जमीन का जो मुद्दा था उसका मिस्टर वर्ल्ड बैंक में जो पैसा भी आया था वापस भी चला गया, लेकिन अब कब तक इसमें दोबारा पुल बन जाएगा बड़कुलू वाला? वर्ल्ड बैंक में फिर से प्रस्तावित कर दिया गया है, वर्ल्ड बैंक से ही चल रहा है इस प्रकार भी। तो सर, कब तक उम्मीद है कि कब तक पुल बन जाएगा बड़कुलू, क्योंकि सड़क तो बन गई है और पुल अभी कहीं भी नहीं है, कुछ कुछ झूला पुल है, उसकी सैंक्शन में चल रहा है, प्रोसेस में है अभी जी, तो जल्दी हो जाएगा सैंक्शन में। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।